नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाले 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये मैच 18 जुलाई 2021 को होर्डगल कोर्ट के लीड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपेरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों आप इस मैच के प्रिडिक्शन लेना चाहते हो तो राजपूत प्रिडिक्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम एन मॉर्गन, जेसन रॉय, डेविड मलान, जॉनी ब्रेस्टो, लियोन लिविंगस्टन इनके बैट्समैन है, मोइन अली, लेविस ग्रोगरी इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, टॉम करन, डेविड विलियस, साकिब महमूद, मैथ्यू पार्किनसन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों जेसन रॉय ने 32 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों लियोम लिविंगस्टन ने बढ़िया पारी खेली थी, 103 रन बनाए थे, और दोस्तों टॉम करन ने 2 विकेट लिए थे और साकिब महमूद ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, दोस्तों 1 विकेट लिया था। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत करा रहे हैं और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शोएब मकसूद, मोहम्मद हफीज, फखर जमान इनके बैट्समैन है, आजम खान, शादाब खान, इमाद वसीम इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, सायन अफरीदी, अरिस रफ, मोहम्मद हुसैन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बारे में, बाबर आजम ने 85 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने भी 63 रन की बढ़िया पारी खेली थी, साथ में दोस्तों शादाब खान ने बढ़िया बॉलिंग की थी, 3 विकेट लिए थे, और दोस्तों सायन अफरीदी ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, 3 विकेट निकाले थे। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 18 मैच खेले गए, जिनमें से इंग्लैंड ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दोस्तों पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं। दोस्तों इंग्लैंड 201 रन का हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का 232 रन का हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों 90 रन का लोएस्ट स्कोर है इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का 89 रन का लोएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 2 मैचों को पाकिस्तान ने जीते, जबकि दोस्तों 2 मैच ही इंग्लैंड ने जीते हैं, और दोस्तों इंग्लैंड अपने लास्ट 5 मैचों में से 3 मैच में जीत करा रहे हैं, जबकि दोस्तों ये 2 मैच में हार करा रहे हैं, और पाकिस्तान लास्ट 5 मैचों में से 4 मैच में जीत करा रहे हैं, जबकि दोस्तों 1 मैच में हार करा रहे हैं। दोस्तों हम इन दोनों टीमों के लास्ट 2 ईयर के स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इंग्लैंड ने लास्ट 2 ईयर में 26 मैच खेले हैं, जिनमें से 15 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों पाकिस्तान ने 28 मैच खेले, इन्होंने भी दोस्तों 15 मैचों में जीत दर्ज की है। दोस्तों यह मैच लीड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है, यहाँ पर फास्ट बॉलरों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अभी तक इंटरनेशनल मैच 1 भी नहीं खेला गया, तो यहाँ पर हाल ही में T20 ब्लास्ट के कुछ मैच खेले गए थे। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल T20 ब्लास्ट के 50 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 31 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 18 मैच जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 मैच टाई भी रहा है, यहाँ का एवरेज स्कोर 178 रन है, और दोस्तों यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 260 रन पर 4 विकेट का, यहाँ का लोएस्ट स्कोर 82 रन पर 4 विकेट का। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 11 बार, 150 से 169 के बीच में 7 बार, 170 से 189 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 16 बार स्कोर रहा है, जबकि 190 प्लस यहाँ पर 16 बार स्कोर गया है। दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड छोटा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्कोर भी ज्यादा जाता है। दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेज भी ज्यादा रहे। दोस्तों आज की ड्रीम 11 टीम हमारी ये होने वाली है। अगर दोस्तों इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा वहां पर मैं प्रत्येक मैच की ठोस होने के बाद में ड्रीम 11 टीम देता हूं, और दोस्तों कभी मेरी प्रिडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूं, और दोस्तों कोई न्यूज़ आपको देनी होती है और दोस्तों कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको बताता हूँ। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। वैसे भी दोस्तों वहाँ पर मैं प्रत्येक मैच की ड्रीम 11 टीम आपको देता हूँ, और दोस्तों वहाँ पर मैं IPL, PSL, T20 ब्लास्ट, बिग बैश लीग से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आती है, साथ में दोस्तों अभी TNPL चल रहा है तो उसकी भी अपडेट जो भी निकल कर आती है मैं वहीं पर बताता रहता हूँ। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों पाकिस्तान को इंग्लैंड ने ODI सीरीज में बुरी तरीके से हराया था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया और बढ़िया मैच अपने नाम किया था। दोस्तों पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर भी 232 रन गए मैच में बना था, जबकि इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर भी पाकिस्तान के खिलाफ 201 रन का गए मैच में बना था, और दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से भी बढ़िया बॉलिंग और बढ़िया बैटिंग देखने को मिली थी। लिविंगस्टन की तरफ से दोस्तों 70 की पारी देखने को मिली थी, साथ में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से भी बाबर आजम और रिजवान ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, तो दोस्तों दोनों टीमों के प्लेयर्स जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए गूगल की प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों गूगल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को 40% पाकिस्तान जीत सकती है, जबकि दोस्तों 60% इस मैच को इंग्लैंड जीत सकती है। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को इंग्लैंड ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने राजपूत प्रेडिक्शन से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना,
उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।